पिया तले उतर लेने या धक्का पेल होरी सर पिस्तल करने का मेरा ब्योत नहीं गोरी सर पिस्तल करने का मेरा ब्योत नहीं गोरी। बहुत बढ़िया पॉपुलर रहा ये सॉन्ग। उसके बाद में एक गाना और था मेरा बहुत अच्छा डीजे पे चला, वो था सपना स्टूडियो में मैं रिकॉर्ड हुआ था सतपाल सैनी के पास अजमेर बड़ मियां लिखा था, जिसका आज भी ये गाना बहुत बढ़िया घूम रही है। तो उस टाइम पर बढ़िया था वो सॉन्ग। ओ तेरे नैना का वार जणू यो शेर का शिकार से, तेरे नैना का वार जणू यो शेर का शिकार से, सरपंच की भाभी तू ठाडी दावेदार से। राम राम दोस्तों, पहला तो मैं बता दूं कि मैं वो राजीव बंसल हूं जो थारे सामने रोज आया करूं आसी की आवाज वाला, और बहुत डिमांड आई जब शहर में पढ़नी है बालक हरियाणवी गीत गाने लग गए, और चंडीगढ़ में भी पढ़ के हरियाणवी सॉन्ग का डर लग गए, और वेस्टर्न म्यूजिक ने हरियाणवी म्यूजिक में इन्फ्यूजन करने लग गए। तो आज हम ठेठ हरियाणवी भाषा में आप तक बात कराएंगे, और इसे स्टूडियो में बैठा हूँ और जिसका नाम हमने साफ दिखा है फोक बीट्स योगी स्टूडियो, जो मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है। कई बार मैं योगी जी दोहरा आ लिया, अरे नजवाणो हो थम, ये एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने बड़े बड़े कलाकार बनाए दिए, कलाकार नहीं कलाकार बनाए दिए, और जो इनके शरण में आए थे समझो कि जमना पार हो जाए उसकी। क्या करें योगी जी, बड़ा ब्लास्ट कैची वर्डिंग, ये तो ये शब्द से हरियाणा के कि जो योगी जी के इजाद करे रहे, और जो बड़ा ब्लास्ट और कैची वर्डिंग में चल जाए और उसका गाना करोड़ा में हिट हो जाए। आज इसे स्टूडियो में योगी अंजाना जी दोहरा मैं फिर आ रहा हूँ, और एक पल आए चुटकला तब बात करूँगा, और फिर योगी जी के हिट सॉन्ग सुनाएंगे। हमारे साथ हैं नवीन ढाणा जी, नवीन यादव ढाणा जी, ये भी बहुत सुरीला कंठ रखा है, और योगी जी के म्यूजिक तला आके इन भी बहुत गाने हिट करवाए अपने, और आप सुन दे रही हो। हरियाणा में क्या अग्रम कल्चर का नाम तो कोरा एग्रीकल्चर है, लेकिन इस बात ने इस मिथ को तोड़ा योगी जी ने, और बड़े बड़े म्यूजिशियन ने तोड़ा है कि पहला पंजाबी गीत सरसड़ का बोलिया कर दे, और ये हरियाणा के गीत जो बॉलीवुड में बाजा है सरसड़ का बोलना है, डीजे फ्लोर पर चलना है, और बड़ी बड़ी गाड़िया में करेटा में BMW में हरियाणा बाजा सबकी में। तो ऐसी हरियाणवी संस्कृति को हमने ज्ञान ले लिया था एक बार कृष्ण जी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, उसके बाद ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर तो नीरे मारे गीत चले। अरे हरियाणा में क्या है ना, प्यार प्रेम बहुत भोड़ा होया करे। एक प्रेमी प्रेमिका तो बोलिया, जे तू मेरी नहीं होई तो मैं किसी की नहीं होने दू तन्ने, बोला जे मैं तेरी होगी तो औरा की सब की होने देगा मना फिर। इसी इसी बात भी चलना योगी जी। तो आइए मैं सबसे पहला तारुफ कराए दूं, इंट्रोडक्शन कराए दूं, इंट्रोडक्शन के, और ये किसे भी तारुफ के या परिचय के मोहताज नहीं है। योगी अंजाना जी, सारे ने हमारी तरफ से राम राम, भाई नवीन डाना और योगी अंजाना की तरफ से सारे ने हाथ जोड़ के राम राम, और बहुत अच्छा लगा। ईद तो पहला जितने भी मेरे इंटरव्यू देखे या तो हिंदी या पंजाबी भाषा में, आज पहली बार मौका मिला बंसल साहब ने कहा कि दयाल तो हरियाणवी में बोलेंगे, ठेठ हरियाणवी में, और मुका अगर के मौत का दौर चल रहा है, इतनी भयंकर महामारी से पूरा देश गुजर रहा है, इस महामारी में भी हम इंटरव्यू करना है बंसल साहब का, बहुत बहुत है दिल से धन्यवाद। ये मौत का दौर की मेरा एक बात में ध्यान आ गई, एक छोर है ना अपना सुसरे दौरा फोन कर दिया, बोला जी के ज्ञान कोरोना का, बोला जी खा पी कर बेड पर सुती पड़ी से, और बोला तेरा कोरोना के ज्ञान, बोला जी सुबह रखा है रात ना नींद खोल लहर पड़ी रह है। तो जी कोरोना का तो यो हाल है, घराड़ी ना पा कोरोना कह लग गए, और सारा दिन काम धाम बर्तन मांझना मैं भी लग गया, योगी जी आप भी क्यों घर रहना पड़ा है, हर कितने काम धंधा बन जा नहीं सकते। सच्ची बात है, तो गांव वाले जिक्र करते हैं कोरोना की बीमारी में छुट्टी चाल दी किसा ला रहे, मैं कहा मैं तो एक शक्ल देख देख के बोर हो लिया, बोर हो लिया, मैं छक लिया शामी सवेरे उठने वाला गम हम आते,
दिन में वार साझ ना, पर बहुत अच्छा टाइम गुजरा कोरोना का, और सारे तो घाटाण लायक श्री बात साहब आप घनी बढ़ाई कर गए मेरी, मैं इस बढ़ाई के काबिल नहीं हूँ, बस मैं तो एक छोटा सा माँ बोली का एक सेवक हूँ, अपनी तरफ से जितना बन पा रहा। काला बदनाम हुआ आपका गाना आया, बहुत हिट हुआ, मेरे ख्याल 1 करोड़ मिल इसको व्यूअर्स हुए, फैन हुए, फिर उसके बाद आएगा जी काले दामन की झोल खुसुती हो, और एक इसी बॉलीवुड कलाकार गाए, और कितने हुए इसके अभी, इसके लगभग 4 करोड़ 80 लाख के आसपास। अच्छा, गिनते रहियो भी बाणिया जो तुम भाई ठहर ले तो कितने हुए। आल्टो गाना आया जी, किया आडी टेडी चाल ले आल्टो बलम, सपना चौधरी ने गाना करा था, नवीन विशु बाबा का लिखा रहा था, इसके भी लगभग 5 करोड़ के प्लस हो गए, 5-6 करोड़ इसके भी। इतने पीछा के करोगे आप अरे यार, मीठी तकरार जिसने कहा आपस में मियां बीबी लोग लोग जेर आपस में जो तुम पुजारी हो जाए। देखो बंसल साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे गाने करे, म्यूजिक भी करा मैंने, गाए भी मैंने, लिखे भी, लेकिन मीठी तकरार गाना इतना हिट नहीं था, पर मैं मानता हूँ कि जो मीठी तकरार मैंने गाना कराया हरियाणा में वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये क्या हरियाणा का एक बहुत ही मेरा सबसे फेवरेट और बहुत ज्यादा सुरीला सिंगर भाई सोमिल कथुवाल ने जो गाया था, और धर्मवीर सांगी का लड़का सोनू बगाना उसने ये गीत लिखा था, और उस टाइम पे मेरा नया नया दौर था, पर इस गाने में जो ठेठ हरियाणवी कल्चर है वो आपने देखने मिलेगा, म्यूजिक में भी गान में भी लिखाई। अरे रूह का पलका लागा है, पलका का है ना तो सोला जिसने उसने कहा, ये भी बहुत इबे जस्ट थोड़े दिन पहले आया, इसके भी 2.5-3 करोड़ व्यू हो गए, और इबे आई वो ड्रीम रिकॉर्ड पे आया था, और रेणुका पवार ने गाया था, बहुत अच्छा गाना है। और जो बन करा कमाल, जो बन कमाल, ये बंदे साहब आपने शायद सुना होगा कि हरियाणवी कल्चर तो आप बहुत जुड़े हुए हो, एक हरियाणवी का गाना आया करता रे गोरी तेरा जो बन कर रे कमाल, तो उसे गाने ने रीमेक कराया था हमने, उसका नया वर्जन कराया था, नवीन विशु बाबा ने इसको नए बोल रखे थे और नए टाइप से इसको रिमिक्स करके अच्छा लेवल से प्रेजेंट किया था हमने इसको, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी रहा था। एक मैं इनके अगले गाने के बात करूँ तो इससे पहले आर्मी का गाना है तो मेरे आर्मी वाले भाइयों के लिए एक कर दूँ, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी, रोई होगी। तो ये इंडियन आर्मी का जिक्र आया जब मेरा ये एक शेर ध्यान में आ गया था, तो ये क्या है? ये एक ऐसा गीत है, मैं गीत नहीं कहूँगा, ये एक श्रद्धांजलि थी जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके उपलक्ष्य में हमने गीत किया था, और इतना प्यार प्रेम मिला मैं तुमने भी कौन, मेरा इसके व्यू कितने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे इसके व्यू बहुत कम है, लेकिन एक स्टोरी इंस्टा पे स्टोरी ला गया, फेसबुक पर ला गया, पता नहीं कई हज़ार इसके बहुत ज़्यादा इसके व्यू हैं। ये था वो इंडियन आर्मी ब्रांड सुन ले, टक्करिया तो आजा तेरा एंड सुन ले, इंडियन आर्मी ब्रांड सुन ले, टक्करिया तो आजा तेरा एंड सुन ले, आर्मी का चल रहा डर एंड सुन ले, यार यार ना बना बैंड बैंड सुन ले, इंडियन आर्मी ब्रांड सुन ले। इंडियन आर्मी वाकई बहुत बड़ी ब्रांड है, फौजी राम मेहर जी हुए जिनने बहुत बढ़िया बढ़िया लिरिक्स भी काटे, और उसे तरस पे आपने 18-20 साल जागरण करे बंदे साहब, पर मेरी नजर में अगर कोई भगवान है सच में धरती पर अगर कोई भगवान है तो मारे मैं सबसे ज्यादा जिसने महत्व दी मेरे मम्मी मेरे बाप ने, और उसके बाद अगर कोई भगवान है मेरी नॉलेज में तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान है जो आज सीमा पर खड़े थे हमारे सुरक्षित बैठे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा दर्जा मेरे माँ बाप का, उसके बाद इंडियन आर्मी को मिलता हूँ। माँ एक ऐसा परमार्थ है जिसका प्रेम निस्वार्थ है, तो आप माँ को इतना दर्जा देते हो, पिताजी को इतना दर्जा देते हो, वाकई अपने गुरुओं का दर्जा अपने माँ बाप को देते हो, तो मैं तो आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। बिल्कुल बंसल साहब, एक जमाने की बात है, मैंने 2-3 बार ट्राई किया अपने मम्मी पापा के लिए कुछ गाने का, एक पापा का सॉन्ग था, एक पापा का साहब तो जीवन में नहीं रहे, नहीं अब तो वो नहीं है, एक पापा का लिए गाना किया था पर वो किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाया, और एक मम्मी खातर भी गया था वो किसी कारण से वो भी रिलीज नहीं हुआ, पर मैं चाहूंगा कि दर्शक इस बार उसमें जरूर सुने। एक बार मैं वैसे बैठा लिखने की कोशिश कर रहा था क्या लिखा जाए, तो इतनी देर में मेरी मम्मी आ गई, मैंने बोला भाई रोटी खा ले, मैं कहा मत तू सारी मेरा ध्यान रख, तू बहुत अच्छी है माँ, तो मैंने बोला माँ अगर तू तो मेरे तपल आना मरी, तो नुबली भाई नु के कह, मैं कहा माँ सच्ची बात है मैं तेरे तपल मरना चाहूँ, तो नुबली भाई
ये तो परमात्मा की लेख है, तब कुछ लाइनें लिखी थी पंजाबी में, लिखी थी पहली बार कोशिश करी थी। एक बच्चा कैसे सोचता था, माँ जब मैंने न्यू बेरा ला जाता तू मर रहेगी तो मैं क्या करता, के जोंदे जी जे मन विच आ जांदी खावा सो तेरी माँ, तेथों पहला अपने आप दी कर देंदा मैं तेरी माँ, उठ सवेरे तड़के हुण मैनू नहीं जगोंदी है, ओ बचपन वाली यादां मां मैनू चेते होंदी है। वो क्या था कि इक ओ वेला सी अदरड़के दा लोटा पर के लोंदी सी, देसी क्यों नाल चूरी कुट के अपने हथों खवोंदी सी, हुण उठना ते दूर कंजरी नींद नई होंदी है, ओ बचपन वाली यादां मां मैनू चेते होंदी है। योगी जी मैं कहता हूँ कि माँ दुनिया की सबसे झूठी औरत होती है जिसके आगे सच भी सजदा करता है। वो मैं थोड़ा सा प्रमाण दे के बताता हूँ कि माँ जब चौके में रोटी राटी खुआवे अपने बालक का चार पाचन बिठा कर और सब ना घाल देगी और उस खातर कुछ नहीं बचा जो बालक नु का माँ तो ना खा लिया। हाँ बोला माँ तो पहला ही खाए बैठी थी, माँ ने कह दे कि भी सोने की चूड़ी पहन ले, माँ ये तू ये कंच की क्यों पहन रही है। बोला सोने का तो एक के रंग हुआ है, कंच की तो चूड़ियाँ देखो रंग बिरंगी चूड़ी है, मेरा तो आता मैंने तो रंग बिरंगी चूड़ी पसंद है, देखो तो कितनी बड़ी है, और मैं उसका कर्ज इसलिए नहीं चुका सकता जब उसने नजर उतार कर और वो पांच सिक्के गंगा जी में फेंके थे, आपके आपको ध्यान होगा कि नजर आपकी उतारी और माँ ने पांच सिक्के गंगा जी में बहा दिए और वो सिक्के उस माँ को कहाँ से लेके आओगे आप। तो ये हो नहीं सकता, देखो आदमी 200-500 हजार कितने लाखों जन्म ले ले, माँ का कर्जा हम कभी नहीं चुका सकते क्योंकि उस माँ ने हमारे ऊपर कर्जा इतना चढ़ा रखा है। और मैं तन्यु को भाई सबकी पूजा पाठ जो सनातन को मानते हैं, जो जिस भी धर्म को मानते हैं, सभी को माननी है, पर सबसे पहला दर्जा माँ पिता को दीजिएगा, आपकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं। आप टॉपिक भटक गए, हरियाणा में माँ होते, एक बार मेरी मेरा और मेरी घराड़े का हो गया झगड़ा, तकरार हो गया, तकरार होगी इसी कसूती होगी, वो बोले तू घर रहेगा, मैं बोला मैं रहूंगा, बोला तू रहेगा, बोला या मैं रहूंगी, तो मैं बोला मैं रहूंगा, बोला तू कुक कर रहेगा, मतलब भगवान तो ना तो बहु को राख लेगा, मतलब कौन रखेगा। तो योगी जी नवीन हमारे साथ है, नवीन नवीन जी बैठे, मैं बता देता हूँ इनके बारे में। नवीन मेरे भाई हैं और मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर कलाकार हैं। जब हरियाणा में कोई गाना सुनने मिला था डीजे पे, उस गाना भाई ने गाया था, मैं तो मिलन खातर तरसा करता, आज मेरे सौभाग्य के भाई हमारे साथ काम करने ला रहे हैं, मैं भाई के साथ काम करने ला रहा हूँ। ये वो नवीन यादव हैं, नवीन जी से बिल्कुल बिल्कुल इनका ही ये गीत और बहुत मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग रहा, बहुत लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया स्पेशल करने का, मेरा भी नहीं बोली भाई साहब ने गाया था। तो भाई साहब आप सुना सीधे गीत पर आ जाओ, सीधे गीत पर तो जी बंसल साहब आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्यार भरी राम राम। तो जैसा कि मैं आपने बताऊं, मैं ठेठ हरियाणी में गाऊँ, इस ताग मैंने कुछ आओ भी कोई नहीं, एक मिट्टी तो जुड़ेड़ा इंसान हूँ और के बताया करूँ, एक सब बदनियों काम है मेरा, वहाँ लेगो भी खो देना और कुछ काम नहीं, जमींदार जमींदार ठेठ, यो एक शोक शोक पाया था मैंने और शोक शोक में थोड़ा बिजनेस बना लिया, बिजनेस बना लिया तो उस टाइम पर मेरा गाना हिट था, लगभग 10 साल हो गए, सिड्डिया करेज था जी, सिड्डिया करेज था, सिड्डिया करेज में भाई प्रवीण बड़सी ने लिखा, सोनू दिगे सरकार स्टूडियो करता एनलाबाद, एनलाबाद राजू पंजाबी विनोद छिप्पा सोनू दिगे सर तीनों उसी स्टूडियो में काम करा करते, हाँ उस टाइम पर स्टूडियो कौन था जी, स्टूडियो में नहीं थे, तो उस टाइम पर प्रवीण बड़सी ने बहुत बढ़िया एक बात लिखी थी और करा तो हमने, वो भजन था एक बोड़े का भजन था, दोनों मियाँ बीबी की तकरार थी, वह तकरार के ऊपर वो दोनों का आपस का मेल था, वो झगड़ा होने लगा, वो नहीं बोली भाई मैंने गाड़ी में ले चाल, वो नहीं बोला मेरा ब्योत को नहीं, बस यो काम था जी। तो प्रवीण बड़ी सिंह भाई ने बहुत बढ़िया लाइन लिखी थी, या तल है उतर लेने या धक्का पेल हो रही, स्पेशल करने का मेरा ब्योत नहीं गोरी, स्पेशल करने का मेरा ब्योत नहीं गोरी, बहुत बढ़िया पॉपुलर रहा ये सॉन्ग। उसके बाद में एक गाना और था मेरा बहुत अच्छा डीजे पे चला, वो था सपना स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था सतपाल सैनी के पास, अजमेर बड़े मियां लिखा था, जिसका आज भी एक गाना बहुत बढ़िया घूम रही है, तो उस टाइम पर बढ़िया था वो सॉन्ग। वो तेरे नैना का वार जणू यो शेर का शिकार से, तेरे नैना का वार जणू यो शेर का शिकार से,
सरपंची की भाभीरी तू ठाडी दावेदार, भाभीरी तू ठाडी दावेदार है। ये सॉन्ग था जी, बहुत बढ़िया, अच्छा चला था, बहुत ही, हाँ बहुत ही था। बंसल साहब आप आए स्टूडियो में, आज मैं भाई योगी ने फोन कराया था, मुश्किल से बुलाया था, और आज मिल गया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी है और एक बड़ा सुरीला सा गीत करके फिर सुना पा इति श्री कराए प्रोग्राम। भाई मैं बताना चाह रहा था, मिट्टी तकरार करके एक गाना था समीर भाई ने, समीर ने रुचि का गाया था। हो मेरे धोरे आना ठीक ना, घने लाड लडाना ठीक ना, करिए तो बात दूर दूर ते, ओ करिए तो बात दूर दूर ते, ओ तेरे लाड लडाना चाहूं सूं, तने अपना बनाना चाहूं सूं, करी जाना बात दूर दूर ते, हाय करी जाना बात दूर दूर ते। ये गाना था। जी चाहता है कि तुमसे कुछ बात हो जाए, जी चाहता है कि तुमसे कुछ बात हो जाए, रात घनेरी हो और बरसात हो जाए, फिर मैं लेके चलूं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर, टायर हो सभी पंचर वहीं पर रात हो जाए। तो आपने इसी बात कर दी, ईशाए शेर मैंने सुना दिया। यो प्रोग्राम प्यार का भाइयों, जो हमारा प्रोग्राम है इसने बुरा बंद मानियों, ये सारी हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस चैनल पे आज हरियाणवी में मैंने बोलना पड़ा है। राम राम। और मेरा जो सहयोगी, जो कहूँ जिसने मैं अपना बेटा मान्या करूँ, रवि सैनी, वो भी बहुत बढ़िया कलाकार है और वो पड़ता है पीछे रहा करे, लेकिन मुझे आगे रखता है, तो उसका भी बहुत बहुत